साथ जुड़ चुके हैं, सीधे रुख कर लेते हैं गिरिडीह का। श्रीकांत, ऑफिशियल डेटा मिल गया होगा, कितने वोटों से आगे चल रही है बेबी देवी फिलहाल? हाँ देखिए आरती, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को अपडेट करा दें, जो तीसरे राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है और हमारे जो संवाददाता है, जो सीनियर संवाददाता विपिन जी हमारे साथ है, सीधे उनसे ही जानेंगे कि आखिर तीसरे राउंड की गिनती समाप्त हुई है, क्या रुझान आए हैं तीसरे राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद। विपिन जी देखिए श्रीकांत, तीसरे राउंड की गणना के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार बेबी देवी ने अपने बढ़त बरकरार रखी है और तीसरे राउंड की गिनती के बाद 2690 वोटों की बढ़त झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने निकटतम उम्मीदवार आशु के यशोदा देवी के ऊपर बना ली है। तीन राउंड की गिनती के बाद अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को 11495, वहीं जो आशु उम्मीदवार हैं उनको 8805 वोट मिले हैं, जबकि जो AIIMIM के उम्मीदवार हैं उनको करीब 200 के आसपास वोट अब तक तीन राउंड की गिनती के बाद मिले हैं। यानी कि लगातार दूसरे राउंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की बढ़त बरकरार है और कुल तीन राउंडों की गिनती के बाद 2690 वोटों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार आगे चल रही है। देखिए अब एक और बात है कि ये जो मतों की गिनती शुरू हुई है, कुल तीन प्रखंड है, तो ये किन प्रखंडों से ही आ रहे हैं ये भी एक बार दर्शकों को अपडेट करा दें। जी देखिए, कुल तीन प्रखंड है इस डुमरी के निर्वाचन क्षेत्र में, डुमरी, नामाडी और चंद्रपुरा। अभी जो शुरुआती मतगणना चल रही है डुमरी प्रखंड की है और लगभग 199 बूथ जो है वो डुमरी प्रखंड में आते हैं, उसके बाद जो बचे हुए 174 बूथ है वो नामाडी और चंद्रपुरा में आते हैं। तो फिलहाल ये जो डुमरी का इलाका है जहाँ पर JMM थोड़ा सा शंकित था इस चुनाव को लेकर कि क्या कुछ होगा, लेकिन फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़ी राहत है कि अभी ही तीसरे राउंड में 2600 की बढ़त उनके उम्मीदवार ने बना ली है। तो अब चौथे राउंड के मतों की गिनती शुरू हो गई है, रुझान भी बहुत जल्दी आ जाएगा। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि 5 से 10 मिनट के अंदर, क्योंकि अंदर अगर हम बात करें तो 5वें राउंड की मतगणना शुरू हो गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर 4थे राउंड के मतगणना के परिणाम अब से कुछ देर के बाद बाहर आएंगे। फिलहाल ये जश्न का मौका है इंडिया गठबंधन के लिए कि उनके उम्मीदवार ने लगातार दूसरी काउंटिंग में भी बढ़त बनाई और तीन राउंड के बाद लगभग 2500 से ज्यादा का बढ़त झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो चुका है। तो देखिए तीसरे राउंड के बाद लगभग 2500 के आसपास जो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है बेबी देवी, उन्होंने बढ़त बनाकर रखी है और अब से कुछ ही देर में जो चौथे राउंड की गिनती है वो भी कंप्लीट हो चुकी है और उसके भी रुझान जो है वो सामने आ जाएंगे आरती। और देखिए, ये तीसरे राउंड की गिनती हो चुकी है और बेबी देवी 2000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। आप बने रहिए, हम वापस लौटेंगे श्रीकांत आपके पास। हम अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि तीसरे राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है, जो रुझान अब तक सामने है, बेबी देवी 2690 वोटों से आगे चल रही है। पहला जब राउंड खत्म हुआ था तो आजसू की यशोदा देवी आगे चल रही थी, लेकिन उसके बाद दूसरे राउंड और तीसरे राउंड की काउंटिंग खत्म होने के बाद बेबी देवी ने लीड बनाए रखी है और अब जो लीड सामने अब तक जो आंकड़ा आया है वो 2690 का है।